अस्सलामुअलैकुम, आज डे फाइव हम लोग यहाँ पे कींजर झील पे हैं। कल यहाँ पे ख़त्म किया था हम लोगों ने, फिर रेस्टोरेंट चले गए रेस्ट किया रात। तो अभी आज हम लोग 9 बजे सुबह के वहाँ पे, सुबह में ज़रा मौसम भी मस्त था, थोड़ा सा टाइम गुजारा केंजर पे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं झिर्क की तरफ। तो आज इंशाल्लाह गोल है काफ़ी कि हम लोग कोई शाम तक ही करेंगे वहाँ का, जो भी हुआ चाहे वो 35 हो गया चाहे 40 किलोमीटर हो गया, तो आराम से चलते जाएंगे। हैदराबाद 77 किलोमीटर, 40-70। हैदराबाद 75, 43, 68, 125 क्रॉस। एक और माइल हम लोगों ने कंप्लीट किया, 126 है। हम लोग क्या किया, रोड से ना ऊपर आ गए, जो एक और समय लगे रोड टाइप की बनी हुई है, हम लोग बहुत सारा ऐसे इसमें बंद बना हुआ है बहुत सारा। हैदराबाद 73। यहाँ पे हम लोग एक छोटे से टाउन से गुजरे थे, तो ये स्टूडेंट कल अब असल में हमें झील से आगे मिले थे। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने जैसे हमें देखा तो कह रहे हैं कि हमारा स्कूल है, तो मैंने कहा मैं अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे हमें इनके सर मिल गए, तो उस्मान भाई मिल गए, और ये इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने सब बच्चों को बोला कि दरवाज़े बंद कर दो, क्योंकि इन्हें हिदमत किए बगैर जाने नहीं देना। ये होता है प्यार, ये होता है प्यार। तो इनका बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब इस तरह से मैं ये आपको बताऊं कि महसिन के जो लोग हैं ना, उनके मेहमान नवाजी आप बहुत ही ऊपर लेवल की है। तो इसके ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि डोर बंद करने वाली, कि ये लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। तो सिंध को देखने के लिए आप केंजर झील आएँ, ठट्ठा में आएँ, मकली आएँ, कोई भी इसके हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर लोगों में इतना प्यार है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो स्कूल माशाल्लाह इन्होंने ना ज़बरदस्त साफ़ रखा हुआ है, इन्होंने प्लांट्स वगैरह भी लगाए हुए हैं जितनी इनकी जहाँ पे। तो ये भी है कि बच्चों को लगता है कि ये बताते रहते हैं। और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक? तो अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो ये देखें ज़बरदस्त बच्चे यहाँ पे इन्होंने सारे बैठ रहे हैं, बैठे। तो बड़ा सिस्टम माशाल्लाह ज़बरदस्त किया हुआ है सारी क्लास में, इंग्लिश की तरह सारी स्पेलिंग कर लिखे हुए हैं, उधर अपनी सिंधी ज़ुबान के, फिर साथ में उर्दू के, और सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं वहाँ पे सारा अपना। तो एक पूरा इन्होंने ज़बरदस्त सिस्टम बनाया, और साथ में अपनी सकाफ़त को भी लेके चलना है, और साथ में अपनी जो दूसरी दुनिया की लैंग्वेजेस हैं उनको भी लेके चलना है। तो बड़ा मैं ना इम्प्रेस हुआ हूँ आपकी सारी पूरे कॉन्सेप्ट से, तो बड़ा ज़बरदस्त है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब, ठीक ठाक? सबसे पहले मैं बाहर बच्चे को मिला था, तो होता है ना कि बच्चे डरते हैं अपने टीचर से कुछ, या उन्होंने बच्चे ने कहा नहीं नहीं आप हमारे स्कूल आए हमारे टीचर से मिले। तो अब मैं इनके हर टीचर को मिला हूँ, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये सारे लोग इतना प्यार करने वाले हैं, और ना आपको बता नहीं सकता। तो ये सारे अख्तर भाई हैं यहाँ पे, उस्मान भाई, और ये सारे बच्चे हैं ये, तो और ये हमारे उस्ताद हैं सारे यहाँ पे। तो इनके साथ ज़बरदस्त टाइम गुजरा हमारा यहाँ पे, अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे। जैसे ये काम करें, एक जिहाद है, पाकिस्तान में तलीम के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं तो यार इन लोगों के मतलब वो बंदे को हाथ चुभने वाली बात है ना, वही हो गया कि यहाँ पे इनको टीचर्स को देखें ना, इनका हार्डवर्क देख के, और जैसे बच्चों को ये ट्रीट करें ना, पूरा वो होता है ना कि देखते हैं अमेरिकन सिस्टम में, कोई बच्चे इतने सारे, कोई बच्चा घबरा नहीं रहा, सारे बच्चे बड़े प्यार से मोहब्बत से बात कर रहे हैं, ऐसा जैसे घर का माहौल हो सिस्टम इनका। तो अल्लाह ताला इनको और कामयाब करे, हर बच्चे को कामयाब करे, और इनके स्कूल को भी कामयाब करे, हमें भी बहुत मेहरबानी। हैदराबाद 71 किलोमीटर, 4364। कराची 129। नहीं यार अभी हम लोग आगे जाना है दूर तक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? यहाँ पे हम लोग जा रहे थे तो बड़ा ही एक ना सेटअप ज़रा ज़बरदस्त नज़र आया। ये भाई बैठे चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मंथार भाई इधर बैठे हुए हैं चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, ये दूसरे भाई हैं बैठे हुए, और इन्होंने पूरा अपना ना सही तहजीब वाला सिस्टम बनाया हुआ है। और ये भाई हमें
चाय की उन्होंने ऑफर दी, कह रहे हैं चाय पी ले। हम लोग कराची से आ रहे हैं, आप कैसे हैं? बड़ा ये किस तरह आपके दिमाग में आया, किस तरह बना रहा है ये? बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, दिल करता है बैठने को बंदे का ना। सर नहीं अभी यार बहुत हमें देर हो जाएगी। नहीं आपके हो गए चाय, आपने बोल दी सही है। हम यहाँ से झिरक कितनी दूर होगा? 22 किलोमीटर। तो हम लोग अभी झिरक की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन ये भाई ने ना बड़ा सेटअप पर इधर पान ये वो सब चीज़ें, लेकिन बड़ा साफ़ सुथरा सिस्टम है। तो अगर किसी ने चाय पीनी हो ना तो ज़रूर पिया। मेरा नाम आमिर है। तो ये नाम भी आपने रखा हुआ इसका जगह का? कैसे? सिंध सकाफत है, सही है। तो सिंध का कल्चर जो है ना वो वैसे भी हमारा बहुत प्यारा है, और ये लोग भी बड़े प्यारे हैं और बड़ा प्यार करने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं सर। फाइनली हैदराबाद 69 किलोमीटर, पोट्री 62, 131 किलोमीटर। अस्सलामुअलैकुम, आप इधर ही रहते भाई? यार ये वाला कब्रिस्तान कितना पुराना होगा? ये बहुत पुराना है। कितना? 200 साल। यार मस्जिद में पेशवा जो बैठा हुआ है ना, हमने वो सामने मस्जिद देख रहे हो वो सामने? अच्छा शाहजहां बादशाह ने, ये तो फिर बहुत पुरानी है। अच्छा वो जो बीच में हमें मज़ार नज़र आ रहा है उसकी बात करें? हाँ ये देख रहे हो जी, सामने मस्जिद बनी हुई है। सही है। वो जो सामने मस्जिद बनी हुई है ना, शाहजहां कह रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं कि शाहजहां ने बनाई थी। और यहाँ पे मेरा लेके हज़ारों में पता लाखों हो सकता है, कितनी खबरें होंगी। तो एक दफ़ा हम लोग बीच में चक्कर लगा के जाते हैं। बिलाल आ जाइए, ये वाली कब्र तो मुझे लगता है कि नई कब्रें शायद हो, तो फूल हैं और सीमेंट है। वो वाली कब्रें जो हैं वो कराची 136। ये मैं कहना प्राउड इस टुडे। गर्मी शुरू होगी काफ़ी, अजीब सा मौसम है। कोई थोड़ी थोड़ी ठंड भी है, थोड़ी थोड़ी सी गर्मी भी है। छठा यहाँ से 38 किलोमीटर कराची 138। घर है हैदराबाद 61, कोटरी 54 एंड कराची 139 किलोमीटर। उन्होंने क्या किया, ये खाना पहले से तैयार करवा के रखा था, उनको पता था कि हम लोग यहाँ से गुजर के जाने वाले हैं। तो उन्होंने ये अपनी राइस की रोटियाँ और साथ में एक बड़े ज़बरदस्त टिफ़िन है जिसमें है दाल, और ऐसी बनी हुई मज़ेदार दाल ये ज़बरदस्त। और उन्होंने काफ़ी सारी रोटियाँ दे दी हैं, तो 5-6 रोटियाँ दे दी हैं साथ में, और ये साथ में उन्होंने। तो उनको पता था कि हम लोग वहाँ से गुजर हैं। तो अभी मेरा लगे बहुत सारे जैसे दोस्त फेसबुक पे या इधर उधर देखते हैं कि ये बंदे कराची से हिजराब तक जा रहे हैं और किस जगह से गुजर रहे हैं। तो वो इस तरह से मतलब अल्लाह ताला की नेमतें आपको अपने दोस्तों से मिलती हैं। और सिंध का यार ये मतलब ये होता है प्यार, सही है। आज हम लोग पहली जगह मतलब वैसे भी सिंध की बहुत सारी डिशेज़ खाई हैं, लेकिन ये वाला ना स्पेशल मैंने पहले कभी नहीं खाया, राइस की रोटी और साथ में दाल में इस तरह से। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो फिर खाना खा के कुछ 10 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद निकलते हैं। ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार खाना बना है, बहुत ही अल्लाह ताला उनको ना बहुत इसकी रिवॉर्ड करे, जुजा दे। मज़ा आ गया। अभी खाना खाया, खाना खा के ना
दो बज के कुछ लाइक 30 मिनट्स समथिंग लाइक दैट वो हो गए, तो हम लोग निकले हैं झिर्क के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अभी ना झिर्क से थोड़ी दूर हैं, 7 किलोमीटर, और यहाँ पे ना मुझे कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। तो ये भी ऐसे ही जैसे सोंडू में हमें कब्रिस्तान नज़र आया था कि वो भी हंड्रेड्स ऑफ ईयर बैक ओल्ड कब्रिस्तान था, और यहाँ पे भी ये देख सकते हैं ये भी कुछ थाउजेंड्स ऑफ ग्रेवयार्ड्स हैं इसमें भी ना। तो अभी बस हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं झिर्क की तरफ। हैदराबाद 54 कोटरी 47 कराची 146। तो अभी हम लोग यहाँ पे झिर्क शहर के बिल्कुल सामने पहुँचे हैं, और यहाँ पे हमें बहुत सारे दोस्तों ने ना इस्तकबाल किया है, इन सब से मुलाकात हुई, इस्लाम दो है। और ये अभी हम लोग यहाँ से थोड़ी देर बस ये करेंगे कि ना वाप ये निकल जाएंगे झिर्क। आज हम लोग रुकने का तो इतना ज़्यादा प्लान नहीं है, तो यहाँ से टाइम काफ़ी ज़्यादा, अभी 2 घंटे से 2.5 घंटे हमारे पास, तो 10 किलोमीटर और करते हैं या ज़्यादा। तो बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, ये सब लोग हमारे ना बड़ा इस्तकबाल किए इन्होंने, मेहरबानी, दिखाओ फिर सही है। और तो अभी हम लोग झिर्क से निकल चुके हैं यहाँ पे, अभी तो शाम भी काफ़ी हो रही है ज़बरदस्त। लुक्स लाइक पोल्ट्री शेड बने हुए हैं, पोल्ट्री शेड बने हुए हैं यहाँ पर, ये पोल्ट्री शेड बने हुए लगता है काफ़ी। मौसम भी अभी बिल्कुल ज़बरदस्त है। कोटरी 38 किलोमीटर, हैदराबाद 45 किलोमीटर, और कराची रे यहाँ से है 154। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि सूरज भी ग्रूब होने वाला है, और बिलाल थक गया, अब थोड़ा बहुत थक गए हैं हम लोगों ने, काफ़ी आज प्रोग्रेस की है। तो केंजर से चले थे, और केंजर से चल के हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं झिर्क से आगे कोई 5 किलोमीटर दूर। तो अभी हैदराबाद मेरा 43 या 44 किलोमीटर है यहाँ से, और फिर हम लोग सूरज भी देखो सामने ग्रूब हो रहा है, तो हमने प्लान किया कि यहाँ पर ना अब करते हैं बस, और कल हम लोग अपना यहीं से शुरू करेंगे। तो हमारा जो लैंडमार्क है ये गैस स्टेशन है, पीछे नज़र आ रहा है ये गैस स्टेशन है, तो यहीं से कल हम लोग और शुरू करेंगे। पीछे हमारे यासर रेस्टोरेंट है, तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं कल। टू सी यू गाइस।